फर्स्ट टाइम एक हिरन के सिंगों को हाथ लगाया। हेलो, यहाँ पे देखो टाइगर की कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है, प्यारी प्यारी यहाँ पे। तो ये देखो फ्रेंड्स, दोनों भालू इकट्ठे हो गए हैं, ग्रा लेपर्ड तेंदुआ। इधर क्या चक्कर है, सारे सोए हैं इधर। ये उदास हैं, अभी लाए हैं इनको है? फ्रेंड्स अभी लगता है नए लाए हैं, थोड़े उदास हैं ना नई जगह देख के थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप वेदर चेक कर सकते हो यहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं जम्बू जू में, जो कि खारकूल नगरोटा में स्थित है। तो ये जू हमारे राजा जम्बू लोचन, जो हमारे जम्मू के फाउंडर थे, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। तो बाकी अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से स्पीशीज़ हैं। कि जो ये जो जू है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू है। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारा। तो आइए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ के कार पार्किंग प्राइस वगैरह है ना, बस वगैरह के प्राइस वगैरह देख लो। तो चलिए गाड़ी लगाते हैं, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे करण भाई और हमारे बड़े भाई अंकुश सर, तो हेलो कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। करण सर क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि एक बार ना पूरा पार्किंग का एरिया बता दो। हाँ, तो यहाँ पे देखो पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा एरिया है। तो आप जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू है, तो यहाँ का पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, अपने यहाँ पे आराम से आओ, गाड़ी वगैरह लगाओ। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं, बाकी आप व्लॉग के साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स ये हैं टिकट रेट्स यहाँ के, जो 5 साल तक है उनका कोई यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। 5 से 12 साल के तक के लिए 40 रुपये हैं, एडल्ट यहाँ पे 80 रुपीज़ है। बाकी अगर प्राइवेट स्कूल यहाँ पे आता है ग्रुप में 5th क्लास तक, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स। बाकी प्राइवेट स्कूल ग्रुप 6 to 12th का यहाँ पे 30 दिया हुआ है पर स्टूडेंट्स। और गवर्नमेंट स्कूल अगर ग्रुप है यहाँ पे तो 10 रुपये लगेंगे पर स्टूडेंट के। और अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे तो 200 रुपये है, और हैंडीकैप के लिए 40 रुपये है। 29 जून तक यहाँ पे बिल्कुल एंट्री फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद जो है रेट वगैरह आपको मैंने रेट लिस्ट वगैरह बता दी है। सो ये फ्रेंड्स अदर सर्विसेज रेट्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आते हो आप तो टाइमिंग का ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिए। जो समर टाइमिंग है इसकी वो 9 से लेके शाम 5 बजे तक है, और जो विंटर टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है शाम। और जो सो फ्रेंड्स यहाँ पे अदर सर्विसेज रेट भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ करते हो तो फोटोग्राफी के लिए। बाकी फ़ोन में शूट करने का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। बाकी अगर आप क्लॉक रूम यूज़ करना चाहते हो उसके चार्जेस, साइकिल रेंट पे लेना चाहते हो, या अगर बारिश वगैरह आ जाती है रेनकोट शूज़ अम्ब्रेला यहाँ पे चार्जेस वगैरह दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो टाइगर की कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स ये है यहाँ का जू मैप। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो जैसे कि ये स्टार्टिंग से दिया गया है स्नेक चैम्बर है ना, तो और भी बहुत सारे डियर वगैरह जो भी है यहाँ पे सारा मैप दिया गया है कौन कौन से लोकेशन पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और बाकी व्लॉग के साथ बने रहिए, आपको सारी एक एक चीज़ दिखाएँगे यहाँ पर। सो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू है, तो इसका जो ट्रैक है 3-4 किलोमीटर का है, तो उतना चलना पड़ता है। तो अगर किसी को चलने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं चला जाता, तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक ऑटोज भी हैं, वो भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे पर हेड। तो बढ़िया बताओ फिर क्या कैसा फील हो रहा है, अभी स्टार्ट ही किया हमने सफर अपना, तो कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स ये आ गया सांबर डियर, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी है, तो चलो देखते हैं है कहाँ पे सांबर डियर, तो करते हैं स्पॉट इसको। है दिख रहा है कहीं पे? ये रहा सांबर डियर, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा सांबर डियर। तो फ्रेंड्स ये था कितना प्यारा सा नेस्ट है। तो बाकी फ्रेंड्स यहाँ से पूरे जम्मू का व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो पीछे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पास पे ही लगाए हुए हैं ड्रिंकिंग स्पॉट्स वगैरह, तो पानी वगैरह पी सकते हो। फ्रेंड्स ये बताया हुआ है कि इस रास्ते पे आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह हैं जो भी हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस साइड हमें दिख जाएगा, तो चलते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स आप नीचे ट्रैक देख सकते हो। जब आप जो थोड़े वेट हैं, ओवर वेट हैं, अगर उनको लगता है कि थोड़ा रिलैक्स करना है, तो वो कॉफ़ी पी के फ्रेश हो सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स बनाई गई हैं रास्ते में। फ्रेंड्स ये रहा लेपर्ड तेंदुआ, तो चलो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, और देखते हैं तेंदुआ है कहाँ पे है, ढूंढते हैं पहले। तो दिख रहा है फ्रेंड्स, वो दिख रहा है, वो बैठा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा तेंदुआ। किधर ये फाइल वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे? ये फाइल इसलिए लगी है, मुझे लग रहा है ये फाइल इसलिए लगाई है ताकि जो लेपर्ड है वो इस पेड़ के ऊपर ना चढ़ सके और चढ़ के जंप ना कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइल उन्होंने इसीलिए लगाई है, बट मेरे हिसाब से ये पेड़ ही इनको हटा देना चाहिए, बिकॉज ये आने वाले टाइम पे रिस्क हो सकता है, जंगलों की ग्रिप बन सकती है फाइल के ऊपर से। हाँ तभी लगाई होगी कि इस पे है ना तेंदुआ चढ़ के ऊपर है, भी काफी बड़ा उधर से, मतलब की छलांग लगा के उधर भी जा सकता है। हाँ आजकल तो तेंदुए चढ़ जाते हैं आराम से पेड़। तो फ्रेंड्स ये आ गया इंडियन पीफॉल, भारतीय मोर, तो एक मोर दिखाते हैं अभी आपको। हेलो, एक मोर वो देखो पूरे पंख खोले हुए हैं उसने, आपको आपको दिख रहा हो, इंडियन पार्कोपिन। तो दिखाते हैं आपको भी अगर दिखता है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये रहा इंडियन पार्कोपिन, ये भी सोया ही है। असर क्या चक्कर है, सारे सोए हैं इधर, ये उदास है, अभी लाया ना इनको है? अभी लगता है नए नए लाए हैं, थोड़े उदास है ना, नई जगह देख के थोड़ा घबराए हुए हैं। कोई नहीं, धीरे 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 हो जाएंगे यूज टू है ना जगह से, फिर निकलेंगे। बारिश, और सर बारिश भी आ गई अभी है। हाँ, बारिश आ गई है, तो चले हैं थोड़ा आगे। हाँ चलते हैं। बेबी डियर, तो एक बेबी डियर मिल गया जो कि उठा हुआ सोया नहीं है, तो ये देख लो आ रहा है, यही आ रहा है। ये एक एनिमल देखा हमने कि जो उठा हुआ है, बाकी सब सोए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक डियर दिखा एक हमें, तो बाकी यहाँ पे रश बहुत है, तो देखते हैं पहले हम नीचे जाके देखते हैं थोड़ा। तो फाइनली फ्रेंड्स एक और हिरन मिला हमें। सिंह इसके थोड़ी ये अपने खाने की तलाश में है, है? सिंह इसके थोड़ी हुआ पहले खाने की तलाश में, सिंह तोड़ दिए इसके है ना, ज्यादा खुद ही तोड़े हैं सर, खुद ही तोड़े हैं ना। गर्न भाई हेलो कर दो इसको, हेलो हेलो हेलो। सिंह इसके वाकई में तो
फर्स्ट टाइम एक हिरन के सिंगों को हाथ लगाया है। फ्रेंड्स ये आ गया हिमालय ब्लैक बियर, हिमालय का काला भालू। तो चलो देखते हैं कहाँ पे भालू और आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स हो रहा थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो ये देखो फ्रेंड्स दोनों भालू इकट्ठे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वाइट टाइगर, स्नेक, एनक्लोज लाइन, टॉयलेट एग्जिट, तो यहाँ पे ही एग्जिट का रास्ता भी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं यहाँ पे। तो सर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ठीक है, बट ट्रैक ज्यादा है और वेदर अच्छा है, इसकी वजह से हम थोड़ा एनर्जेटिक है, हम वेदर का एंजॉय कर रहे हैं ज्यादा, हमें वेदर अच्छा लग रहा है। रोटी वगैरह खा के आए थे तो थोड़ा चार्ज थे हम। हाँ, तो रोटी अभी हमारी सारी डाइजेस्ट हुई। यही है कि अगर आप एक हॉट समर डे में आते हो तो यू शुड हैव वाटर बॉटल्स विद यू और आपके पास आपके मील्स होने चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ये जू जो है काफी बड़ा है और ये है कि ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू है, लार्जेस्ट जू ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ है यहाँ। एक और वो रही हमारी तेंदुआ बिल्ली। ये हमारे तेंदुआ की जो है वो मासी होती है। हाँ सर बताएंगे इसके बारे में। ये वाइल्ड कैट है, वाइल्ड कैट तो ये जंगली बिल्ली से बोला जाता है और ये लेपर्ड की प्रजाति से है। तो माना जाता है हिंदुस्तान में, ऐसे बोला जाता है कि ये लेपर्ड की मासी है। लेपर्ड की मासी। फ्रेंड्स अभी मैंने दिखाई थी जो वो लेपर्ड की मासी है और बिल्कुल उसी की तरह है ना, लेपर्ड की तरह है पूरा, जो पूरा कार देखो जो डॉट्स वगैरह इसके बॉडी पे पूरे लेपर्ड वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है हिमालय पाम सीवेट, रतनमुखी कस्तूरी बिलाव। तो भैया उठा रहे हैं। ए भैया क्यों उठा रहे थे इसको, क्यों उठा रहे थे? अच्छा अंदर लेना। देखो फ्रेंड्स कितनी प्यारी है। बाकी फ्रेंड्स ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स व्यू चेक करो आप। बाकी फ्रेंड्स ये यहाँ पे पानी के वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जगह जगह पे फ्रेंड्स। हाँ और मौसम इतना मतलब कि प्लेजेंट हो गया ना, इतना सुहावना मौसम हो गया है कि मज़ा आ गया आज बिल्कुल। यहाँ पे फ्रेंड्स फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे पूरा पीछे बैकग्राउंड आता है पूरा। फ्रेंड्स यहाँ का वेदर चेक करो, बिल्कुल एक प्लेजेंट वेदर है, एक बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे जितने भी स्पीशीज वगैरह थी वो आपको सभी दिखाई मैंने। काफ़ी ज़्यादा दो तीन एनिमल्स अभी हैं कि जो भी आने हैं यहाँ पे। तो बाकी तो सभी यहाँ पे थे वगैरह, लाइन और जो लाइन टाइगर वगैरह अभी यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, बाकी यहाँ पे सभी हैं यहाँ पे। तो जब वो आ जाएंगे फिर एक बार फिर से आएंगे हम, फिर से आपको दिखाएंगे। तो बाकी आपको मज़ा आ रहा होगा, असली वाले को तो हाथ नहीं लगा सकते, चलो इसी को लगा के काम चला लेते। तो चलो। तो फ्रेंड्स ये देखो कितनी प्यारी प्यारी डक्स है यहाँ पे और बारिश भी आना शुरू हो गई है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम एग्जिट पॉइंट पे वापस आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा यहाँ का, जू का नई जू खुली है, कल ही ओपन हुई थी, तो बहुत सारी आपको स्पीशीज वगैरह आपको दिखाई भी और मज़ा आया। और एक तो वेदर बहुत अच्छा था, अभी भी आप देख सकते हो कि बारिश वगैरह पड़ रही है। तो बाकी सर से पूछते हैं, सर बाकी क्या मतलब कोई आना चाहे तो है ना, क्या अच्छा है? मतलब आज तो इतना मतलब सोने पे सुहागा हो गया, इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतना फाइन प्रेजेंट वेदर है। आप जम्मू से ये हार्डली कोई अम्फला से 8 किलोमीटर होगा, तो 8 किलोमीटर की रेंज में है। आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं, गाड़ी लगा के अगर आप हॉट सनी डे में आ रहे हैं तो अपने साथ पानी रख लें या कुछ खाने के लिए छोटा मोटी चीज़ रख लें। तो वैसे कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा जू है जहाँ पे हम काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, काफ़ी अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज़ यहाँ पे अवेलेबल है।
आप उनको देख सकते हैं। 29 तक तो वैसे भी फ्री है। हाँ, और 29 जून तक ये जू की एंट्री फ्री है, आप 29 जून तक का फ्री में विजिट कर सकते हैं। कार पार्किंग के चार्जेस? हाँ, कार पार्किंग वगैरह चार्जेस आपको लगेंगे, बस बाकी सब फ्री है यहाँ पे। और बहुत अच्छा पार्क है, अभी हम पार्क में ही हैं। और यहाँ से देखिए माउंटेनियस व्यू भी है काफ़ी, मतलब पहाड़ी काट के ये जू बनाया हुआ है, और बहुत सारी रेयर स्पीशीज जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं हम जू वाले। तो बाकी एडवेंचर के लिए और ट्रैकिंग के लिए भी अच्छी जगह है, ट्रैकिंग के लिए अच्छा, बहुत अच्छा ट्रैक है ना, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए भी आना चाहे बिल्कुल साफ सुथरा ट्रैक है। एंट्री एग्जिट आपको एक ही रूट पे मिल जाएगी, आप एक जगह से जाओगे फर्दर दूसरी जगह से आप एग्जिट कर लो, एग्जिट कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। बढ़िया है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, मिनिमम 2-3 आवर्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको पूरा स्टडी करना हो तो अच्छे से। अगर विजिट करना 3 घंटे आप लेके आए तो आप यहाँ पे आराम से पूरा, तो बिल्कुल अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे आना चाहते हो तो 2-3 घंटे आप निकाल के घर से आइए यहाँ पे, और बिल्कुल एक प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे, इतनी अच्छी अच्छी हवा आती है क्योंकि एक पहाड़ों पे बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आइए अपनी फैमिली के साथ, तो एक अच्छी पिकनिक स्पॉट भी हम बोल सकते हैं इसको। तो अभी अगर 29 से पहले पहले, अगर 29 जून से पहले पहले यहाँ पे आते हैं तो कोई यहाँ पे टिकट चार्जेस नहीं है, बाकी उसके बाद 80 रुपीज़ चार्जेस हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया इसका जो जितने भी रेट्स वगैरह थे बच्चों के लिए, अडल्ट वगैरह के, सारे आपको मैंने दिखा दिए, तो वो आप देख लेना। तो बाकी आओ यहाँ पे आप, बहुत फैमिली के साथ आओ एक पिकनिक बनाने। और तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आज का व्लॉग हम यहाँ पे रखते हैं। आई होप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाइए। आप गाड़ी चेक कर सकते हो यहाँ का, और बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बारिश पड़ रही है, और एक मतलब कि आने का यहाँ पे बिल्कुल सफल रहा हमारा, तो बहुत ही अच्छी ट्रिप रही यहाँ पे आने की। तो आप भी आओ अपनी फैमिली के साथ, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। बाकी आगे की ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल विशाल राही को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।